लेफ्ट हैंड साइड पे एग्ज़ाम पे जाएं, उसके बाद कंडक्ट एग्ज़ाम, एग्ज़ाम मार्क्स एक इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपको लिस्टिंग में ऐड न्यू पे क्लिक करना होगा। हमने क्लिक कर दिया, एक फॉर्म खुल के आ गया। अब इस फॉर्म के डिस्क्रिप्शन को फिल करना है, जैसे सेशन सेशन हमारा 2020-2021 है, कॉलेज यानी आपका स्कूल टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट स्कूल, इंडोलॉजी स्कूल जो भी आप स्कूल के बच्चे को मार्क्स असाइन करना चाह रहे हैं, कोर्स यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लें, क्लास जिन सेमेस्टर के बच्चों को आप मार्क्स असाइन करना चाह रहे हैं, BBA 5th सेम, इसको आप ब्लैंक छोड़ दें, फील मार्क्स आप सब्जेक्ट वाइज चूज़ करें, एग्ज़ाम रिटन टेस्ट 1, रिटन टेस्ट 2, रिटन टेस्ट 3, रिटन टेस्ट 1 सेलेक्ट कर लिया अभी, सब्जेक्ट यहाँ से आप सब्जेक्ट चूज़ कर लें, बैच यहाँ से आप बैच चूज़ कर लें, सॉर्ट वाइज अब जिस ऑर्डर से सॉर्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, हमने यहाँ स्कॉलर नंबर यूज़ कर लिया, इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। जब सारे डिस्क्रिप्शन हो जाए उसके बाद फिल पे क्लिक करें, एक इंटरफेस खुल के आएगा नीचे आपको। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे बच्चों का नाम आ गया, जिन बच्चों को जिस सब्जेक्ट के बच्चों को हमने चूज किया है। यहाँ पर दो चॉइस है, या तो आप सारे बच्चों को एक साथ सेलेक्ट करके सारे को मार्क्स असाइन कर दे, या आप मैनुअली जिन जिन बच्चों को ही सिर्फ मार्क्स असाइन करना चाहते हैं आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, सारे बच्चों का मार्क्स एक साथ असाइन करेंगे। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 10, मार्क्स ऑब्टेन जितना मार्क्स, मान लीजिए इसने 9 प्राप्त किए, इसने 8 प्राप्त किए, इसने 9 प्राप्त किए, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर लेंगे। हम जैसे ही सेव करेंगे यहाँ लिस्टिंग में वो सारे डेटा आ जाएंगे जिनको हमने मार्क्स असाइन करे हैं।